नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राज वेब स्किल में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि टैली में जो भी पिछले वीडियो में बताए थे कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करना है और मेनू के बारे में बताए थे, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता रहा हूँ कि टैली में जो भी कंपनी क्रिएट करेंगे उसमें पासवर्ड कैसे लगाएं। अब बात आती है कि सर पासवर्ड क्यों उसमें लगाना है, तो देखिए किसी भी कंपनी में अलग अलग काम होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। काम आपको एक ही कंपनी में करना है बट उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। कोई सेल के लिए काम कर रहा है, कोई परचेस के लिए काम कर रहा है, कोई डेटा एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए होता है बट कंपनी चाहती है कि हमारा डेटा क्या रहे, सिक्योर रहा है ना, मतलब सिक्योर रहे हमारा डेटा। तो उस चीज़ के लिए कंपनी में पासवर्ड लगाना होता है। और टैली प्राइम में या फिर टैली में बेसिकली दो तरह के पासवर्ड होते हैं। एक होते हैं, एक पूरे के पूरे कंपनी में पासवर्ड लगाते हैं तो उसको हम लोग वॉल्ट पासवर्ड बोलते हैं। एक दूसरा है वो पासवर्ड, उसको हम लोग यूजर पासवर्ड बोलते हैं। यूजर पासवर्ड इसलिए बोलते हैं कि उस टैली प्राइम में जो भी कंपनी क्रिएट करेंगे उस पासवर्ड को एंट्री करने के बाद डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब अथराइज देता है कि आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उस कंपनी को पहले क्रिएट कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोग न्यू एक कंपनी क्रिएट करते हैं। पिछले वीडियो में तो हम लोग एक दूसरे कंपनी मतलब राज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाए थे। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं और उसमें पासवर्ड कैसे देना है चलिए हम लोग सीखते हैं। नए कंपनी क्रिएट करने से पहले और उसमें डेटा को सिक्योर करने के लिए, मतलब उस कंपनी में कैसे पासवर्ड लगाएंगे, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो पिछले वीडियो में जो हम लोग कंपनी क्रिएट किए थे, मतलब उस कंपनी को कैसे सॉर्ट करेंगे, मतलब बंद कैसे करेंगे, तभी ना एक नया कंपनी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए देखिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कंपनी है, कंपनी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कंपनी में आपको सिंपल सॉर्ट पे क्लिक करना है, कंपनी आपका क्लोज हो जाएगा। उससे पहले इन सारे मेनू के बारे में समझ लेते हैं। देखिए क्रिएट का मतलब क्या होता है, क्रिएट मतलब आप यहाँ पे न्यू कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रिएट पे सेलेक्ट करके एंटर कीजिएगा तो आप एक न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अल्टर है, अल्टर का मतलब होता है कि जो भी, जैसे अल्टर पे मैंने क्लिक किया तो अल्टर का मतलब होता है जो भी आपका एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो अपने कंपनी में करेंट कंपनी है, उस कंपनी में आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, अभी देखिए हाईलाइटेड इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हाईलाइटेड इसलिए है कि इसको मैं ये स्केप करके फिर से बैक चले जाता हूँ, मैं बैक चला गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अल्टर भी क्रिएट हो गया, तो आपको फिर से मैं कंपनी पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए अल्टर में मैंने बताया था कि एग्जिस्टिंग जो भी कंपनी पे आप काम कर रहे हैं उस कंपनी में कोई चीज़ चेंज करना है तो आप अल्टर पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चेंज, यहाँ पे चेंज है, इसका मतलब क्या होता है, आप कीबोर्ड से F3 भी प्रेस करेंगे तभी भी चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। बट इससे होता क्या है, देखिए चेंज से क्या होता है कि अगर आपने आपको मल्टीपल कंपनी क्रिएट किया है, किसी एक कंपनी का काम हो गया है, आप चाहते हैं कि उसको स्विच करके दूसरे कंपनी में जाना, तो आप चेंज पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, साथ में F3 बटन को प्रेस कीजिएगा तभी भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे F3 बटन प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी बेसिकली लिस्ट ऑफ कंपनीज, अभी एक ही कंपनी जिसमें बना हुआ है जो कि राज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। अभी ज़्यादा मल्टीपल कंपनी मैंने क्रिएट नहीं किया है इसलिए अभी कंपनी एक ही दिख रहा है। तो इसमें अब जैसे कंपनी आपका इस कंपनी में काम हो जाएगा, आप चाहते हैं दूसरी कंपनी में, तो यहाँ पे जो भी लिस्ट आप बनाइएगा उस कंपनी को सेलेक्ट करके एंटर कीजिएगा तो आप उसमें चले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं कंपनी पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आया देखिए सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझ। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट क्या काम है, सेलेक्ट बेसिकली क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट से हम मल्टीपल अगर कंपनी क्रिएट किया है उसमें किसी एक कंपनी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट पे क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंपनी पे अभी क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा बैक चले जाते हैं, ठीक है। फिर से मैं कंपनी पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे सेलेक्ट है, तो सेलेक्ट में जितने भी लिस्ट ऑफ कंपनीज आएगा उसमें जिस भी कंपनी पे आप क्लिक कीजिएगा वो कंपनी ओपन हो जाएगा। तो मैं इसका शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट के साथ F3 आपको बटन प्रेस करना है, सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे राज स्किल प्राइवेट लिमिटेड है, राज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड है,
जिस भी कंपनी पे आपको सेलेक्ट कीजिएगा उसको एंटर कीजिएगा, वो कंपनी आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बैक आता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कंपनी में शॉर्ट, शॉर्ट इससे क्या होता है इसके बारे में देखिए। शॉर्ट बटन से क्या होता है, इससे पहले हम लोग एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि कब आपको ऑल्ट बटन प्रेस करना है और कब आपको कंट्रोल के साथ मतलब जो भी चीज़ करना है वो कैसे करना है, कब आपको ऑल्ट बटन प्रेस करना है और कब आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है। तो ऑल्ट बटन देखिए यहाँ पे, इसके नीचे देखिए यहाँ पे सिंगल यहाँ पे डैश है, डेटा के नीचे भी देखिए सिंगल डैश है, यहाँ पे एक्सचेंज के नीचे भी सिंगल डैश है। लेकिन जैसे ही आप गो टू में तो यहाँ पे सिंगल दिख रहा है आपके कि यहाँ पे सिंगल डैश है। तो इसमें आपको कंट्रोल जी प्रेस करना है। कैसे क्यों मैं इसका रीज़न दिखा रहा हूँ। कंट्रोल जी जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे एक मिनट मैं इसको कंट्रोल के साथ जी बटन को प्रेस करता हूँ। अभी कोई ना एक काम कर रहा है, 1 मिनट। देखिए आप यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल जी प्रेस किया तो स्विच टू में यहाँ पे देखिए डबल यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया है कि कब कंट्रोल बटन का प्रेस करना है और कब आपको ऑल्ट बटन का यूज करना है। तो देखिए फिर से मैं कंपनी पे आता हूँ। कंपनी शॉर्ट करने से पहले आपको सिंपल क्या करना है, अभी हम लोग जो कंपनी शॉर्ट करना चाहते हैं उस पे अभी आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल अभी मैं बैक जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली में आना है। कंपनी को शॉर्ट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है। ठीक है, अब देखिए अगेन यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको फिर से क्या करना है, कंपनी पे आपको क्लिक करना है। और इस कंपनी को बंद करने के लिए आपको सिंपल या तो आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं या फिर शॉर्ट पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो इसका देखिए शॉर्ट के सामने यहाँ पे कंट्रोल के साथ F3 बटन को प्रेस करना है। तो आप जैसे कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस कीजिएगा तो आपका कंपनी यहाँ पे दिख जाएगा। अभी जो करंट में जो कंपनी है राज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, वो आपको दिख जाएगा। आपको इंटर करना है, जैसे इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे 1 मिनट देखिए फिर से मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के लिए ESC बटन को प्रेस करना है। ठीक है, अभी काम नहीं कर रहा है। या फिर बैक जाने से अच्छा है सिंपल मैं राज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इंटर पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए राज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड अभी क्लोज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ फिर से मैं आपको बताता हूँ। सिंपल कंपनी पे जाना है, शॉर्ट पे यहाँ पे क्लिक करने से पहले आपको मैं बता दूँ, कंट्रोल के साथ F1 बटन को प्रेस कीजिए। 1 मिनट 1 मिनट, टैली प्राइम पे रिडायरेक्ट कर दिया। वेलकम टू टैली प्राइम। इसको मैं बैक आता हूँ, हेल्प के लिए आ गया। ठीक है, मैंने गलती यहाँ पे कर दिया, हेल्प के लिए आ गया। आपको होम पे जाना है। 1 मिनट 1 मिनट, मैं इसको बैक जाता हूँ। बैक तो जा नहीं रहा है। 1 मिनट, इसको बैक फिर कैसे जाएंगे, इस इसको मैं आपको बैक करके फिर दिखाता हूँ। ये एक्चुअल में कंट्रोल F1 बटन प्रेस कीजिएगा तो हेल्प का सेक्शन ओपन हो जाएगा, इसीलिए ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, अभी एक्चुअल में देखिए F2 बटन यहाँ पे हाईलाइटेड हुआ था, हेल्प का सेक्शन यहाँ पे ओपन हो गया। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एन पे क्लिक करके मैं फिर से इसको यहाँ पे लेके चले जाता हूँ। यहाँ पे कंपनी पे आपको क्लिक करना है शॉर्ट करने के लिए। यहाँ पे शॉर्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। अभी देखिए राज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को आप क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी आएगा राज ट्रेडर्स, तो इस इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस करूँगा। 1 मिनट, अभी काम नहीं कर रहा। इंटर फिर से मैं करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका 1 मिनट, अभी देखिए यहाँ पे कंपनी ये शॉर्ट नहीं हुआ तो गेटवे ऑफ टैली में है। फिर दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, फिर से कंपनी में जाना है। उसके बाद आपको शॉर्ट पे या तो क्लिक करना है या फिर ऑल्ट के साथ आपको F1 बटन को प्रेस करना है। ये देखिए ऑल्ट के साथ F1 बटन प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे पॉपअप एक बॉक्स खुल जाएगा, डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें लिखेगा यू कैन नाउ शॉर्ट द कंपनी बाई प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F3, डू यू वॉन्ट टू शॉर्ट द कंपनी। या तो आप कंट्रोल के साथ F3 से भी कर सकते हैं या डू यू वॉन्ट टू शॉर्ट द कंपनी, यस तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे कंपनी दिख रहा है राज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो भी मेरा कंपनी लॉगिन होगा वही आपको दिखेगा। तो आपको सबसे पहले जो भी लिस्ट ऑफ कंपनीज में जो कंपनी दिखेगा उसको सेलेक्ट करना है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कंपनी शॉर्ट हो चुकी है। यहाँ पे डेटा पार्ट में आपको कंपनी दिख रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंपनी शॉर्ट हो गई, मतलब जो भी डेटा में हमारा कंपनी है वो आपको दिख रहा है। अब उसके बाद कंपनी को क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है, फिर से इंटर बटन को प्रेस करना है, क्रिएट कंपनी का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कंपनी को कैसे क्रिएट करना है, तो वो तो आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात कि कंपनी इसमें कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, न्यू एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज इसका रीजन है, इस कंपनी में कैसे पासवर्ड लगाएंगे, उस चीज़ को सीखने के लिए आपको ये चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, ठीक है। इसमें सिंपल जो कंपनी कैसे क्रिएट करना है पिछले वीडियो में जो बताए थे वही आपको यहाँ पे करना है। कंपनी का नाम देना है, तो अपने नाम से बना सकते हैं या फिर किसी के भी नाम से बना सकते हैं। मैं राज और ट्रेडर्स वन टू प्राइवेट लिमिटेड, मैं नाम बदल देता हूँ, बस वन टू कर दिए, राज ट्रेडर्स वन टू प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इंटर बटन को प्रेस करना है, मेलिंग नेम में भी आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। उसके बाद एड्रेस देना है, तो एड्रेस आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं, जैसे 205 205, आप उसके बाद एक्स वाई जेड पार्क भोपाल में जाप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे गोपालगंज को आपको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर नीचे आप देना चाहते हैं 205 एक्स वाई जेड पार्क, उसके बाद नीचे गोपालगंज लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको गोपालगंज लिख देना है, ठीक है। फिर इंटर बटन को प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट में नॉट एप्लीकेबल में जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे बिहार से बिलोंग करता हूँ तो बिहार आपको सेलेक्ट करना है। इंटर जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो बिहार, उसके बाद कंट्री नेम यहाँ पे इंडिया आपको दिख जाएगा, बिहार कहाँ पे है, इंडिया मतलब इंडिया कंट्री में बिहार नाम का एक स्टेट है, ठीक है, वो आपको दिख रहा है। उसके बाद इंटर प्रेस करके आपको पिन कोड देना है, जहाँ का एड्रेस है वहाँ का आपको पिन कोड देना है, तो 84 14 28 ये मैं पिन कोड दे देता हूँ गोपालगंज का। उसके बाद टेलीफोन नंबर में आप एक डेमो के तौर पे एक नंबर दे दीजिए, कोई भी नंबर, जो नंबर आप कंपनी बना रहे हैं वो उस कंपनी का नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे टेलीफोन में दे सकते हैं। तो डेमो के तौर पे मैं एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, 7 8 9 10, ठीक है। फिर मोबाइल में भी मैं नंबर दे देता हूँ, यही सेम नंबर 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद इंटर बटन प्रेस करके, फैक्स बेसिकली होता नहीं है तो इसको मैं रहने दे रहा हूँ, फिर इंटर बटन प्रेस करके ईमेल यहाँ पे दे सकते हैं। अभी बेसिकली पिछली वीडियो में मैंने ईमेल वेबसाइट ये सारा चीज़ दिया हुआ था, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए आगे बढ़ता हूँ वेबसाइट के बाद, उसके बाद फिर से इंटर बटन प्रेस करना है। आप देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताए थे, बट यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि पासवर्ड कैसे लगाएंगे कंपनी में, उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद देखिए बेसिकली यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है, इन दोनों ऑप्शन दोनों यहाँ पे जो भी ईयर आ रहा है इसको ऐसे ही एज इट इज रखना है, ठीक है। इंटर बटन फिर से प्रेस करना है तो यहाँ पे आ जाइएगा। उसके बाद देखिए इसमें पासवर्ड लगाने के लिए, कंपनी में पासवर्ड लगाने के लिए या तो आपको F12 प्रेस करना है या फिर यहाँ पे कन्फिगर का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो बेसिकली मैं शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ F12। अब यहाँ पे F12 पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो कॉन्फ़िगरेशन इसका आ जाएगा, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यस मैंने लिखा हुआ है, सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी, सॉरी सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। इस ऑप्शन को भी मैं फिलहाल के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैं इंटर बटन को प्रेस करके नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, यूज टैली वॉल्ट पासवर्ड टू इंक्रिप्ट कंपनी डेटा। इसमें देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो पासवर्ड होता है कंपनी में, टैली में जो कंपनी क्रिएट करते हैं उसमें बेसिकली दो तरह से पासवर्ड लगाते हैं या फिर दो तरह का पासवर्ड का यूज होता है, एक होता है टैली वॉल्ट पासवर्ड और एक होता है यूजर एक्सेस कंट्रोल। तो मैं इसको यस कर लूँगा, आपको वाई बटन प्रेस करना है, एंटर करना है, यस आ जाएगा। उसके बाद यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसमें क्या होता है ना कि जैसे मल्टीपल कंपनीज है, हर कंपनी में एक ही कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है,
या फिर अलग अलग कंपनी है, तो उस अलग अलग कंपनी को आप किसी पार्टिकुलर इंसान को एक कंपनी के लिए एक्सेस दे रहे हैं, फिर दूसरे कंपनी में किसी एक पार्टिकुलर कंपनी का एक्सेस दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको यूजर एक्सेस कंट्रोल में आपको पासवर्ड लगाना होता है। तो इसके लिए भी मैं इसको यस कर ले रहा हूँ, ठीक है, इंटर बटन प्रेस कर दे रहा हूँ, यस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटर बटन जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो नीचे आ जाएगा, उसके बाद प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, इसको भी मैं यस कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी का, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सिक्योरिटी का, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, इंटर बटन आपको प्रेस करना है, देखिए यहाँ पे सेट टेरी वॉल्ट पासवर्ड टू इंक्रिप्ट कंपनी डेटा। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे सेट टैली वॉल्ट पासवर्ड टू इंक्रिप्ट कंपनी डेटा, इसमें आपको पासवर्ड लगाने के लिए अभी तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि पासवर्ड हम क्या लगाएंगे, तो उसके लिए सिंपल आपको वाई लिखना है, इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही वाई बटन प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको टैली वॉल्ट पासवर्ड दिख रहा है, आप यहाँ पे पासवर्ड को लगा सकते हैं। तो मैं पासवर्ड को यहाँ पे सिंपल यूज करूँगा, सिंपल पासवर्ड का मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 123, ताकि हमको याद रहे। और देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नीचे मैसेज भी दिया हुआ है कि इफ़ यू फॉरगेट योर टैली वॉल्ट पासवर्ड यू विल परमानेंटली लूज एक्सेस टू योर कंपनी डेटा। अगर पासवर्ड का जो भी आप यूज कर रहे हैं ये पासवर्ड अगर आप भूल गए तो परमानेंटली के लिए कंपनी में जो भी डेटा है उसको लॉस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो भी आप पासवर्ड बना रहे हैं उसको याद रखना है आपको, ठीक है। फिर इंटर बटन प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कंफर्म टेरी वॉल्ट पासवर्ड, क्या आपने जो पासवर्ड दिया हुआ है वही पासवर्ड को आप कंफर्म करना चाहते हैं, यस 123, ठीक है। अब देखिए ये मेरा एक्टिवेट हो गया, जो टेरी वॉल्ट पासवर्ड है वो मेरा एक्टिवेट हो गया। इसके बाद है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, इसको भी हमको यस करना है क्योंकि इसको भी हमको यूज करना है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी है, इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर अलग अलग डिपार्टमेंट को अपना पासवर्ड देता है, फिर उसमें काम होता है। तो उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक पासवर्ड लगाना होता है, जिसे मैं यूजर नेम एडमिन दे देता हूँ, एडमिन, ठीक है। फिर इंटर प्रेस करके एग्जाम्पल के तौर पर हेल्प रहे इसलिए मैंने एडमिन लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में मैं 123 ही दे देता हूँ, ठीक है। फिर इंटर बटन प्रेस करके कंफर्म पासवर्ड में भी 123 ही दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमारा दोनों पासवर्ड यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, एक टेली वॉल्ट पासवर्ड, एक कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट को एक पासवर्ड देना, उसके लिए भी ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, एक मिनट। अब यहाँ पे देखिए इनेबल टैली ऑडिट फीचर्स, क्या आप इस टैली ऑडिट फीचर्स को इनेबल करना चाहते हैं, तो फिलहाल मैं इसको नहीं करना चाहता हूँ तो नो पे ही रखूँगा। फिर इंटर बटन प्रेस करके नेक्स्ट ऑप्शन पे आऊँगा, तो यहाँ पे लिखा है डिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, क्या इस चीज़ को आप ये डिस अलाउ करना चाहते हैं कि जब भी ओपन हो वो एजुकेशनल मोड पे ओपन नहीं हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे नो पे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है बेस करेंसी सिंबल, तो यहाँ पे रुपीज में ही रखना है। उसके बाद फिर से आपको इंटर बटन प्रेस करना है और फॉर्मल नेम INR, जो इंडियन रुपीज का फॉर्मल नेम होता है वो INR होता है। उसके बाद आपको फिर से इंटर बटन प्रेस करना है, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। सफिक्स करने के बाद जैसे ही आप सफिक्स कर दीजिएगा तो पहले आपका अमाउंट आएगा फिर उसके बाद रुपीज आएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है पहले रुपीज उसके बाद अमाउंट, तो ये करेक्ट होता है, तो आपको नो ही रखना है। फिर आपको इंटर बटन प्रेस करना है, उसके बाद एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। इसमें देखिए ये बोल रहा है कि जो भी आपका अमाउंट और सिंबल रहेगा उसमें स्पेस देना चाहते हैं, तो आपको यस ही रखना है। फिर इंटर बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे है शो अमाउंट इन मिलियंस, क्या आपने अमाउंट को मिलियंस में शो कराना चाहते हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं छोटा छोटा अमाउंट ही रखूँगा, 1 रुपीज़, 10 रुपीज़, तो इसलिए नो ही रखूँगा, ठीक है। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो जो मेरा जो भी अमाउंट रहेगा उस अमाउंट के बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 डिजिट का क्या रहेगा, तो यस डेफिनेटली 2 डिजिट का रहेगा, पॉइंट के बाद जैसे 5.00 हो गया,
तो डेफिनेटली हम 2 डिजिट का रखेंगे, आप जितना रखना चाहते हो वो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, जो भी वर्ड रिप्रेजेंटिंग आफ्टर जो डेसिमल के बाद होगा वो पैसा में ही होगा, तो यस पैसा में ही दिखा उसको शो कराएंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, जो भी डेसिमल प्लेसेस होंगे उसको नंबर में वर्ड वो आपको दो ही जो भी नंबर होगा उसी का दिखेगा वर्ड्स में, ठीक है। तो फिर से मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद देखिए इतना सारा प्रोसेस होने के बाद आपको क्या करना है, इंटर बटन को प्रेस करना है और फिर से आपको अगेन एक्सेप्ट यस और नो, तो आपको फिर से इंटर जैसे ही बटन प्रेस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जो टैली वॉल्ट पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड लगाया था वो आपको पासवर्ड यहाँ पे देना है। तो मैंने पासवर्ड क्या लगाया था, 123। उसके बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। अब उसके बाद देखिए यूजर एक्सेस कंट्रोल में जो आपने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे लिखना है, तो मैंने एडमिन लिखा हुआ था। उसके बाद पासवर्ड में मैंने 123 लिखा हुआ था। इंटर जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग और इन्वेंट्री से रिलेटेड दिया है, तो फिलहाल मैं इसमें कोई भी अभी इसमें एंट्री वगैरह अभी करेंगे नहीं। टैक्सेशन जो भी पार्ट है इसको भी अभी जीएसटी का बाद में ही काम करेंगे, तो इसको अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं। कंट्रोल के साथ ये बटन प्रेस कीजिएगा तो ये कंपनी आपको यहाँ पे दिखेगा। नेम ऑफ कंपनी में राज ट्रेडर्स 1-2 प्राइवेट लिमिटेड, अभी देख रहे हैं ना यहाँ पे दिख रहा है। इस कंपनी में पासवर्ड अलग गया, अगर आप इस कंपनी को ओपन कीजिएगा तो ये बिना पासवर्ड का, अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं तो ये कंपनी ओपन ही नहीं होगा। तो पासवर्ड आपको याद रखना है इस कंपनी में, इस सिक्योरिटी के तौर पे आप इस तरह से कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी क्रिएट होने के बाद आप सिंपल क्या करते हैं, इस कंपनी को हम सॉर्ट कर देते हैं। तो सॉर्ट पे क्लिक करने के लिए या फिर कंट्रोल ऑल्ट के साथ F1 बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है। फिर आपको कंपनी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे राज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद जो अभी मैंने कंपनी क्रिएट किया राज ट्रेडर्स 1-2 प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे देखिए डॉलर दिख रहा है बिकॉज इस कंपनी को हमने इस कंपनी में वॉल्ट पासवर्ड लगाया था। वॉल्ट पासवर्ड लगाने के मतलब यहाँ पे आपको नाम से दिखेगा, तो इस तरह से आप लोग कंपनी को सिक्योर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपनी कंपनी को सिक्योर कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से टैली प्राइम में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपनी डिटेल्स को अल्टर कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।